नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम COVID-19 संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार अपने किसी परिवार के सदस्य को घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं और इस मॉडल को और बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में कैसे लागू कर सकते हैं और घर पर इलाज करना क्यों बेहतर है। दोस्तों, कोरोना ने जहाँ मानव जाति का एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे क्षेत्रों में सकारात्मक सोचने और करने का अवसर प्रदान किया है। इस संक्रमण ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। उसने हमें यह सीखने का अवसर दिया है कि हम गंभीर रूप से बीमार परिजन का इलाज घर पर भी कर सकते हैं। भले ही हमने मजबूरी में किया है, परंतु इस अनुभव का उपयोग हम और बहुत सी बीमारियों में कर सकते हैं जहाँ पर हमारे मरीज की कंडीशन बहुत ही गंभीर नहीं है और जहाँ पर वाइटल्स, विशेषकर ब्लड प्रेशर की कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है और हमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट यानी कि इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम अपने ट्रीटिंग क्लिनिशियन से ऑनलाइन या ऑफलाइन इनिशियल कंसल्टेशन लेने के बाद डे टू डे उनके टच में रहें और एक नर्सिंग स्टाफ से बात कर लें जो सुबह शाम घर पर आकर नर्सिंग केयर कर दें और इंजेक्शंस लगा दें। जिन बीमारियों में सर्जरी की ज़रूरत है, उनमें भी हम 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रुककर अपने मरीज की हालत स्थिर होने पर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से संपर्क में रहते हुए बाकी का इलाज इसी मॉडल पर घर पर कैरी आउट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि COVID-19 से संक्रमित हल्के लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों का इलाज घर पर कैसे करें। इसके लिए हमें जिन बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हैं पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीम इनहेलर, नेबुलाइजेशन मशीन, थर्मोस्टेटिक बॉटल, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा ऑक्सीजन मास्क। लक्षणों के आधार पर मरीजों को 2 प्रमुख कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड सिम्टम वाले मरीज तथा मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम वाले मरीज। माइल्ड सिम्टम वाले मरीजों में वो सारे मरीज आते हैं जिनमें अभी निमोनिया के शुरुआत होने के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। इस कैटेगरी के मरीजों के प्रमुख लक्षण हैं हल्का बुखार आना, जो कि सामान्यतः 101 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, गले में खराश या दर्द होना, मुंह सूखना, टेस्ट या स्मेल सेंस का गायब होना तथा पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने पर उसका 94% से ज़्यादा होना। माइल्ड कैटेगरी के सिम्टम्स वाले मरीजों में वायरस का संक्रमण नाक, मुंह और गले तक ही सीमित रहता है। यह अवधि लगभग 3 से 4 दिन की होती है। यह अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि की शुरुआत में ही आक्रामक इलाज करके वायरस को गले से नीचे उतरकर निमोनिया करने से रोका जा सकता है। आइए संक्षेप में बात करते हैं कि माइल्ड कैटेगरी के मरीजों को क्या इलाज लेना चाहिए। मरीज को घर के एक हवादार कमरे में आइसोलेट कर दें और घर का एक कोई जवान सदस्य ग्लव्स और मास्क पहनकर मरीज की ज़रूरतें पूरा करता रहे। विटामिन D3 60,000 यूनिट हफ्ते में 2 बार दें। दिन में 3 से 4 बार पैरासीटामॉल की गोली लें। मल्टी विटामिन टेबलेट लें जिसमें जिंक और मैग्नीशियम हो, दिन में 1 बार लें। विटामिन सी की टेबलेट दिन में 3 बार चूज कर लें। हर 1 से 2 घंटे के अंतराल पर आधे से 1 गिलास गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पिएं। स्टीम इनहेलेशन 4 से 6 घंटे के अंतराल पर करें। बेटाडीन गार्गल दिन में 3 से 4 बार करें। इसमें 0.5% पोवीडीन आयोडीन होता है जो कि वायरोसाइडल एजेंट की तरह काम करता है। हाई प्रोटीन डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तथा फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि का भरपूर सेवन करें। इस स्टेज में भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना बहुत ही लाभदायक होता है। अपने टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेचुरेशन को हर 4 घंटे के अंतराल पर मॉनिटर करते रहें। माइल्ड कैटेगरी में आपके डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि जिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन 5 से 7 दिन के लिए दे सकते हैं। माइल्ड कैटेगरी में स्टेरॉयड थेरेपी या फिर ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी यानी कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स की कैटेगरी वाले मरीजों की। इस कैटेगरी में वो सारे मरीज आते हैं जिनमें कि निमोनिया की शुरुआत हो गई है, जो कि ज़्यादातर मरीजों में 4थे से 10वें दिन के बीच में होती है। प्रमुख लक्षण जो निमोनिया के शुरू होने का संकेत देते हैं वो हैं मरीज की सांस फूलना और सांस की गति का 24 प्रति मिनट से ज़्यादा होना, ऑक्सीजन सेचुरेशन का 94% से कम होना, 6 मिनट वॉक टेस्ट पॉजिटिव होना, अर्थात जिन लोगों का रेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है उनको 6 मिनट चलने के बाद
उनके ऑक्सीजन सेचुरेशन में 3% की गिरावट होना, छाती में जकड़न या दर्द का एहसास होना, अत्यधिक खांसी आना, चौथे या पाँचवें दिन से बुखार की तीव्रता कम न होकर हाई ग्रेड फीवर होना और मरीज का सेंसोरियम गड़बड़ होना, ये सारे लक्षण अलार्मिंग सिग्नल्स कहे जाते हैं क्योंकि ये कोविड-19 के मरीज में निमोनिया की शुरुआत होने का संकेत देते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती होके होना चाहिए, परंतु यदि अस्पताल में बेड की उपलब्धता न होने की वजह से या अन्य किसी कारण से भर्ती करना संभव न हो तो अपने ट्रीटिंग क्लिनिशियन से ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क में रहते हुए घर पर इलाज शुरू कर दें। शुरू में तो शायद आप इसे मजबूरी में करेंगे, परंतु मेरे संपर्क में रहकर इलाज लेने वाले कई सारे मरीज और सगे संबंधी ऐसे हैं जो घर पर रहकर रिकवर हुए हैं। उनके अनुभव के आधार पर और स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि शायद आप भी अंत में ही कहेंगे कि घर पर रहे तो ज़्यादा सुरक्षित रहे, घर पर रहे तो जल्दी रिकवर कर गए, घर पर रहे तो जंग जीत गए। आइए अब हम बात करते हैं इस कैटेगरी के मरीजों का इलाज घर पर कैसे करना है। माइल्ड कैटेगरी के मरीजों को दिए जाने वाले सारे इलाज को जारी रखते हुए आपको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के मरीजों में 3 दवाइयाँ और ऐड करनी है। ये तीनों दवाइयाँ ही बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में मरीजों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। ये हैं ऑक्सीजन थेरेपी, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी और ब्लड थिनर यानी कि एंटी कोगुलेंट थेरेपी। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की। यदि आपके मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन 80% से ज़्यादा है तो आप इस अवस्था में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु यदि सेचुरेशन 80% से कम है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी देते समय हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि टारगेट ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से 96% के बीच में रखना है, परंतु यदि आपके मरीज को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर से फ्लो रेट को इतना सेट करें कि टारगेट रेंज के लोअर बॉर्डर अर्थात 90 से 93% के बीच में ऑक्सीजन सेचुरेशन रहे, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन थेरेपी के साथ स्टेरॉइड थेरेपी देंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन स्वतः बढ़ने लगेगा। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हम 3 तरह के मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, नेजल कैथेटर, ऑक्सीजन फेस मास्क और मास्क विद रिजर्वायर बैग जिन्हें कि नॉन रिब्रीदिंग मास्क भी कहा जाता है। ऑक्सीजन मास्क विद रिजर्वायर बैग को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन का वेस्टेज कम से कम होता है। आइए अब बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट में हुए रिकवरी ट्रायल में लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में सिद्ध हुए हैं। निमोनिया के लक्षण दिखते ही हमें डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन 32 मिलीग्राम शुरू कर देना चाहिए। यदि मिथाइल प्रेडनिसोलोन को इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाना है तो इसके 40 या 80 मिलीग्राम के इंजेक्शन दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का प्रयोग अपने डॉक्टर की निगरानी में ही करें। कार्टिकोस्टेरॉइड की एक स्पेसिफिक थेरेपी जैसे कि हाई डोज मिथाइल प्रेडनिसोलोन थेरेपी या फिर पल्स थेरेपी कहते हैं, उन गंभीर मरीजों की जान बचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है जिनका CRP लेवल 100 से ज़्यादा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम है तथा CT सीवरिटी स्कोर 15 से ज़्यादा है। इस थेरेपी को एम्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन ने भी अप्रूव किया है और मैंने भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। इस थेरेपी में मरीज की गंभीरता के आधार पर प्रतिदिन 500 से 1000 मिलीग्राम के मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन शुरुआत के 3 दिन देकर 4th दिन से नॉर्मल मिथाइल प्रेडनिसोलोन थेरेपी पर शिफ्ट हो सकते हैं। यह थेरेपी साइटोकाइन स्टॉर्म को सप्रेस करके इम्यून मीडिएटेड लंग इंजरी को काफ़ी कम कर देती है। जिन मरीजों को खांसी ज़्यादा आ रही हो या पहले से ही एलर्जिक ब्रांकियल अस्थमा के पेशेंट रहे हैं या COPD के पेशेंट रहे हैं उनको 0.5 मिलीग्राम बुडेसोनाइड और ब्रांकोडायलेटर नेबुलाइजेशन के रूप में सुबह शाम देना चाहिए। यदि स्टेरॉइड का प्रयोग 10 दिन से ज़्यादा किया गया है तो हमें इसकी डोज को धीरे धीरे टैपर करके बंद करना चाहिए। तीसरी लाइफिंग दवाई जो हमें निमोनिया के लक्षण दिखने पर शुरू करनी है वो है खून पतला करने की दवाई अर्थात ब्लड थिनर जिन्हें कि एंटीकोगुलेंट भी कहा जाता है, क्योंकि COVID-19 निमोनिया के मरीजों में खून की नसों में ब्लड क्लाट बनने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। खून पतला करने दवाइयों में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 40 मिलीग्राम सुबह शाम, एपिक्सावैन 2.5 मिलीग्राम सुबह शाम या फिर रिवारक्सावैन 10 मिलीग्राम दिन में एक बार देना चाहिए। जिन मरीजों का इलाज के दौरान ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम हुआ है या फिर जिन मरीजों को छुट्टी के समय इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं या फिर वो डायबिटीज या हृदय के रोगी हैं, ऐसे सभी लोगों में ब्लड थिनर डिस्चार्ज के बाद 6 हफ्ते तक देने चाहिए। इस कैटेगरी के मरीजों में आपके डॉक्टर
आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इस कैटेगरी के मरीजों में मैंने दो अन्य दवाइयों के अच्छे परिणाम अपने मरीजों में देखे हैं। पहला है नेटोकाइनेज, इसकी एक गोली सुबह शाम लें। यह जापानीज फूड नेटो से बना हुआ एक प्राकृतिक एंजाइम है जो खून के थक्के घुलने में मदद करता है। दूसरा है सहजन, यानी कि मोरिंगा ओलिफेरा की पत्तियों का सूप बनाकर दिन में 2 से 3 बार दें, या फिर इसकी रेडीमेड टेबलेट्स जो कि बाज़ार में अवेलेबल होती हैं उनको दिन में 3 बार दें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और खून को पतला करने की गुणों की वजह से यह लाभकारी पाया जाता है। आइए बात करते हैं कि होम ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप हिम्मत करके इलाज की सारी व्यवस्थाएं घर पर कर लेते हैं तो इसके कई फायदे आपके मरीज को मिलते हैं। हॉस्पिटल में अगल बगल गंभीर मरीजों का होना और उनमें से कभी कभी किसी गंभीर मरीज की मृत्यु होना आपके मरीज में भय पैदा करती है, और यह मेंटल ट्रामा आपके मरीज की रिकवरी में बाधा पहुँचाता है। हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों की संख्या अत्यधिक होने की वजह से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ओवरबर्डन रहते हैं, इसकी वजह से आपके मरीज की नर्सिंग केयर कंप्रोमाइज हो सकती है। किसी मरीज को स्वस्थ करने में उसका न्यूट्रिशन और खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर पर आप शायद खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। साउंड स्लीप किसी को भी स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्पताल का गंभीर माहौल तथा मरीज के सोने की जगह में बदलाव होने से साउंड स्लीप से वंचित होना भी मरीज की रिकवरी को स्लो करता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज का अपने परिजनों से न मिल पाना मरीज को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है, जो कि उसकी रिकवरी में काफ़ी बाधा पहुंचाता है। अस्पतालों में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है, जिससे कि मरीज की हालत बिगड़ सकती है। होम ट्रीटमेंट के इस मॉडल को और भी बेहतर किया जा सकता है यदि कुछ एक्सपर्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मरीज की स्थिति का आकलन करके यह कंसल्टेशन दे दें कि किस मरीज को होम ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है और किस मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। दोस्तों, भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पोर्टेबल ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम मरीज के घर पर लगा दिया जाए और अस्पताल में बैठे डॉक्टर अलग अलग घरों में रह रहे 5 से 10 मरीजों को मॉनिटर करें और उनका कोई स्टाफ सुबह शाम आकर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ट्रीटमेंट करता रहे। दोस्तों, इस तरह के बदलाव से अति गंभीर मरीजों को अस्पतालों में आसानी से एडमिशन मिल सकेगा और उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। और भविष्य में यदि इस तरह की महामारियाँ दोबारा सर उठाती हैं तो हम इनके लिए पहले से प्रशिक्षित रहेंगे, मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और इनका अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे। दोस्तों, होम ट्रीटमेंट के इस मॉडल को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सुझाव अवश्य दें। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों में होम बेस्ड नर्सिंग केयर को बढ़ावा मिले और हम डॉक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।